क्या आपको पता है उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर स्थित हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम असल में हिंदुओं का नहीं बल्कि मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। और तो और उसका नाम बद्रीनाथ धाम नहीं बल्कि बद्रुद्दीन शाह है। चौंकिए मत, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये तो एक मौलाना के शब्द हैं जिन्हें हम आपके सामने सिर्फ पेश कर रहे हैं। अगर आप इस बात पर यकीन नहीं कर रहे तो जरा इस वीडियो को देखिए। बद्रीनाथ नहीं, वो बद्रुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बद्रुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। वीडियो में दिख रहे इस मौलाना का नाम अब्दुल लतीफ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ये रहने वाले हैं। कितने आराम से इन्होंने सदियों से हिंदुओं का धर्म स्थल माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम पर मुस्लिमों का दावा ठोक दिया। मौलाना इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मांग करता है कि मुस्लिमों को बद्रीनाथ धाम सौंप दिया जाए। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए। मैं वहां के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूं कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए। इतना ही नहीं, इन्होंने धमकी भरे लहजे में ये भी कह दिया, अगर मंदिर प्रबंधन ने खुद धाम को खाली नहीं किया तो वो खुद बद्रीनाथ की तरफ कूच करेंगे और वहां कब्जा कर लेंगे। हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। इस मौलाना के शब्दों में नफरत है, जलन है, एक धर्म विशेष के लिए जबरदस्त आक्रोश है। ये खुलेआम दो धर्मों के बीच दरार पैदा कर रहा है। गंगा जमुनी तहजीब पर खुलेआम वार कर रहा है ये मौलाना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जब हमने इस वीडियो की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो तो 4 साल पुराना है। 2017 में भी ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खैर, वीडियो पुराना हो या नया, मौलाना की ये बिना सिर पैर वाली दलील तो साफ बयां हो रही है। आपको पता होगा कि बद्रीनाथ धाम भारत के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में ऐसी मान्यता है कि यहाँ नर और नारायण दोनों निवास करते हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसे विशालपुरी भी कहा जाता है और बद्रीनाथ धाम में विष्णु भगवान की पूजा होती है। बहरहाल, जिस नफरती लहजे से ये मौलाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, द भारत टीवी।